गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी विल स्टार्ट विथ रीडर चैप्टर नाइन बुस इन बुक्स एटी वन पेज नंबर लेट्स रीड वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ बॉय हु लिव्ड विद हिस्स कैट ही वॉज वेरी पुअर एंड डिसकंटेंट मीन्स एक बार की बात है एक बॉय था वो अपनी कैट के साथ रहता था बहुत ही गरीब था और अपनी लाइफ से बहुत ही हताश और निराश था वन डे द बॉय डिसाइडेड टू अबेंडन हिज कैट टू लेसन हिज वरी मीन्स एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कैट को छोड़ देगा मतलब अप अप उसके साथ या उसके साथ कुछ भी नहीं हिज़ कैट टू लेसन हिज वरीज मीन्स अपना बोझ कम करने के लिए और जो उसको है वो कम करने के लिए अपॉन नोइंग दिस द वाइस कैट स्प्रेंग अप ऑन हिम अप ऑन हिज फ्रंट पॉज एंड सेट मीन्स वो खड़ी हो गई फ्रंट पॉज पे मतलब जो पैर होते हैं उस पर खड़ी हो गई एकदम से और बोला डोंट वरी मास्टर आप चिंता नहीं करो वॉट डू यू थिंक दैट आई एम वर्थलेस गिव मी अ क्लोक अ हैट विद अ फेदर इन इट एंड अ पेयर ऑफ बूथ एंड यू विल सी वॉट आई कैन डू उन बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं बेकार हूँ तुम सिर्फ मुझे एक क्लोक दो यानी कि ढीला सा कोट होता है एक कैप दो जिसमें फैदर यानी कि फर लगे हो और बूट्स बूट्स यानी जूते होते हैं ना लंबे वाले जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है वो दो एंड यू विल सी व्हाट आई कैन डू फिर आप देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ द बॉय डिसाइडेड टू टेस्ट टू टेस्ट द कैच वॉज एंडेड एज ही वॉज बॉय ने क्या किया उसने बोला चलो देखते हैं ये भी क्या कर लेती है और जैसा जैसा उसने मांगा था वैसा वैसा उन्होंने दे दे दिया दिया मतलब उस लड़के ने उसको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है सुन आफ्टर द कैट सॉ द किंग्स कैरेज ड्राइविंग अलोंग द रिवर साइड मतलब जैसे ही कैट ने देखा कि रिवर की साइड पे जो किंग है यानी कि जो राजा है उसका कैरेज कैरेज मतलब वो होता है ना बग्गी टाइप का उनका जो राजा महाराजा उनका रहते थे वो निकल रहा है द किंग एंड द प्रिसेज वर इन द कैरेज उसने देखा कि उस कैरेज के अंदर कौन है किंग है और उसकी बेटी यानी कि प्रिंसेस है मास्टर इफ़ यू वुड ओनली फॉलो माई एडवाइस योर फॉर्चून इज मेड उसने बोला कि अगर आप मेरी एडवाइस को फॉलो करोगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी टेक ऑफ यर क्लोज अंजाम पे टू द रिवर अपने कपड़े उतार के रिवर में कूद जाओ लीव ऑल द रेस्ट टू मी और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो ओनली रिमेंबर दैट यू आर द मार्किवस ऑफ कैराबास फ्राम नाओ ऑन सेट पुस्ट तो उसने क्या बोला जो पुस्ट थी उसने बोला कि आप याद रखना कि आप मार्किव मीन स्प्रेन मास्टर इन स्प्रेन जैसे उसने भी मास्टर बोला था ना स्प्रेन में स्पेन में मास्टर को मार्किवस बोलते हैं मार्किव ऑफ कैराबास वहाँ का उसने बोला कि आप समझना कि आप वहाँ के राजा हो द बॉय डिसाइडेड टू ट्रस्ट द कैट द बॉय ने क्या किया उसने कैट को ट्रस्ट किया जैसे ही किंग वहाँ से गुजरा ही हर्ड लाउड क्राइज ऑफ हेल्प हेल्प उसने सुना कि कोई हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है माई लॉर्ड द मार्किज ऑफ काराबास इज ड्रोनिंग मतलब वो हेल्प हेल्प चिल्ला के क्या बोल रहा था कि जो मार्किज का राजा है वो डूब रहा है द किंग इमिजिएटली स्टॉप हिज कैरेज एंड सेंड हिज गार्ड टू सेव द मार्किूज ऑफ कैरेबा उसने कैरेज रुपाया और अपने गार्ड्स को भेज दिया हेल्प करने के लिए वाइल देवर पुलिंग द मार्किूज जब वो उसको निकाल रहे थे पानी में से अपुस इन बूट्स के एम आउट ऑफ द बुश वही जो थी उसकी बिल्ली वो आई बुश यानी झाड़ियों में से एंड बोइंग टू द किंग टोल्ड द स्टोरी अबाउट सम थीव और किंग के सामने झुकी और उसने एक स्टोरी सुनाई हु हैड स्टोल ऑल हिज मास्टर क्लोथ्स वाई ही वर्ज बाथिंग और उसने बताया कि मेरे ये जो राजा हैं कारावास के इनके सारे कपड़े चुरा लिए किसी ने जब वो नहा रहे थे पिटिंग द अनफॉर्चुनेट मार्किूज द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज ऑफिसर्स मीन्स दुख जताते हुए मार्कि उसके साथ जो भी हुआ वो सोच के या देख के किंग ने ऑर्डर दिया अपने एक ऑफिसर को टू ब्रिंग न्यू क्लोथ्स फॉर हिम उसके लिए नए कपड़े लाने के लिए ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ द बॉय लुक्ड नो लेस देन अ प्रिंस उस नए कपड़ों में वो एक राजा की तरह लग रहा था ड्रेस्ड इन न्यू द प्रिंसेस वॉज ऑस्ट्रक मीन्स प्रिंसेस बहुत ही वो हुई प्रसन्न हुई देख के और द बॉय ऑफर्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू हिज मजेस्ट्री मीन्स बॉय ने थैंक यू टाइप का बोला द किंग रिसिव्ड हिम कर्टियसली एंड इन्वाइटेड द मार्किज ऑफ कैराबास इन टू कैरेज वो uh, क्या बोलते हैं थैंक यू स्वीकार करते हुए और गुड मैनर में उन्होंने क्या बोला कि आप मेरे साथ मेरे कैरेज में चलिए डिलाइटेड डेट हिज स्कीम हैज़ सक्सीड उसे क्या लगा कि उसकी जो स्कीम थी वो सक्सेस हो गई फिर पुस वेंट अहेड एंड अराइव एट अ ब्यूटिफुल कैसल टूवर्ड्स विच द रॉयल कैरेज वॉज़ हेडेड ठीक है फिर वो क्या गई आगे गई और उसने एक ब्यूटीफुल कासल था वहाँ पे उसकी तरफ जाने लगी जहाँ वो कैरेट जा रहा था द कासल वॉज ओन स्केरी कैरी हु वॉज नोन फॉर हिज पावर टू टेक एनी फॉर्म एट हिज विल मीन्स वो जो कैसल की तरफ वो कैरेट जा रहा था वहाँ पे एक जो महल जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना वो किसका था वो एक बड़े से मॉन्स्टर का था और वो बड़े सा मॉन्स्टर कौन था जो कि किसी का भी रूप ले सकता है अपनी मर्जी से वहाँ गया और जो मॉन्स्टर है उससे बात करी आई हैव हर्ड ऑफ़ your many रिमार्केबल क्वालिटीज़ एंड स्पेशली हाउ यू हैव द पावर टू change चेंज into any sort of एनी सॉर्ट ऑफ बीस्ट यू चूज अ or an फॉर इंस्टेंट और एन तो वो उसने क्या बोला कि मुझे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी रूप में आ सकते हो चाहे वो लॉयन हो चाहे वो एलिफेंट हो दैट इज़ क्वाइट ट्रू replied the एंड आई कैन इमिजिएटली टर्न इन टू अ लॉयन तो वहाँ के मॉन्स्टर ने क्या बोला ये बिल्कुल सच सुनाया तुमने मैं अभी के अभी एक लॉयन में बदल सकता हूँ सेंग सो ही चेंज इन टू अ फेरियस फेरोशियस लॉयन में एक खतरनाक लॉयन एंड द फ्राइटेंड पुस प्रैंग और वो उछल गई डर के मारे बिल्ली बट सर सेट पूज वेन द ऑर्ज हैड रिटर्न टू हज ओरिजिनल फॉर्म जब वो वापस अपने फॉर्म में आ गया मतलब लॉय से वापस अपने मॉन्स्टर वाले अवतार में आ गया आई डो नॉट सपोज यू कैन बिकम अ स्मॉल एनिमल अ रेड और माउस फॉर इंस्टेंट मीन्स उसने बोला फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं मैं नहीं मानती कि आप एक चूहे या बिल्ली में बदल सकते हो ठीक है यू शैल सी सेट द प्राउड और इमिजिएटली टर्न टू अटल माउस उसने बोला ऐसा अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ और एक लिटिल माउस मतलब एक चूहे के रूप में बदल गया दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट पुस्ट वॉन्टेड वो यही चाहती थी वो फटाफट उसके ऊपर जंप मारा उसको पकड़ा और खा गई गोबल्ड <laughs> मीन्स निगल जाना टाइप ठीक है एक ही पलक झपकते ही सो ऑर्ज मेट इट्स एंड तो जो मॉन्स्टर था बड़ा सा वो अंत हो गया उसका जस्ट देन द किंग्स कैरेज अराइव एट द कासल वैसे ही जैसे ही उसने खाया उसे वैसे ही किंग का जो कैरेज था वो वहाँ पर पहुँचा और पुस जो थी यानी कि वो जो बिल्ली थी वो उन्होंने उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया क्या बोला उसने वेलकम योर मजिस्ट्री टू द कासल ऑफ माई लॉर्ड द मार्किस ऑफ काराबासी उसने बोला कि यही मेरे राजा महाराजा मार्किस ऑफ काराबास का कैसल है द किंग वॉज अघास्ड मीन्स किंग इतना अच्छा कॉसल देख के बहुत शौक हुआ द गेस्ट वर देन ट्रीटेड विद अ ग्रैंड डिनर फिर उनका एक बहुत बड़ा सा डिनर कराया गया उसी कैसल में द किंग विद द वेल एंड सिविलिटी ऑफ मार्केट ऑफ काराबास जो किंग था वो उसकी इतनी अमीरी और इतना का इतना बड़ा कॉसिल देख के बहुत ही चार्ड मीन्स बोल सकते हैं कि प्लीज करना होता है ना कि आप बहुत ही खुश हो जाते हो मीन्स अंदर से वो एक खुशी वाली फीलिंग होती है डिसाइडेड टू मेक हिम सन इन लॉ उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इसे अपना दमाद बनाऊँगा द मार्क्यूस एंड द प्रिंज वर मैरिड द वेरी नेक्स्ट डे एंड स्टार्टेड लिविंग इन द दॉर्ट्स कैसल मीन्स शादी हो गई उनकी और ऑर्ड्स उन जो मॉन्सर था उसी के कैसल में रहने लगे पुस इन बूट्स लिव्ड हैप्पीली विद द न्यूली वेड कपल एंड हैड नो मोर नीड टू रन आफ्टर महेस एक्सेप्ट फॉर हिज ओन एक्सरसाइज मीन्स उसको जो वो त्यागने वाला था उसको ऐसे ही छोड़ देता अब वो बिल्ली क्या है उसी के साथ रह रही थी अच्छे से और मज़े से